दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे पसंद किया जाने वाला खेल है, जिसे इसके प्रशंसक बड़े ही उत्सुकता के साथ देखते हैं। आप भी जब क्रिकेट का मैच देखते होंगे तब कोई विकेट गिरने या मैच जीतने पर आपने खिलाड़ियों को जश्न मनाते तो जरूर देखा होगा। लेकिन कई बार मैदान पर कुछ खिलाड़ी विकेट गिरने और मैच जीतने से पहले ही जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि जिस कारण से वो जश्न मना रहे हैं आगे चल के उसका उल्टा होने वाला है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे ही अर्ली सेलिब्रेशंस के बारे में। 5. कॉटरेल कांट कंट्रोल हिज इमोशंस। क्रिकेट में जब भी सेलिब्रेशन की बात आती है तब शेल्डन कॉटरेल का नाम कैसे भूल सकते हैं। वेल, शेल्डन कॉटरेल वेस्ट इंडीज के वो खिलाड़ी हैं जिनके जश्न मनाने के तरीके की दुनिया दीवानी है, और हो भी कैसे ना, वो सल्यूट ही इतना जबरदस्त लगाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे शेल्डन कॉटरेल ने CPL के एक मैच के दौरान विकेट झटकने के बाद भी जश्न मनाया, लेकिन इस बार उनका यह जश्न बहुत ही ज्यादा जल्दी में आ गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी को आउट करने के बाद वो जश्न मना रहे थे उसे तो अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। देखिए कैसे जब शेल्डन ने सामने खड़े बल्लेबाज को बॉल डाली तब कीपर को लगा कि उस बॉल पर एज आया है, जिसे देख शेल्डन अंपायर का फैसला आए बिना ही जश्न मनाने लगे, और फिर होना क्या था, सामने खड़ा बल्लेबाज बच गया और शेल्डन जश्न की जगह अजीब सी शक्ल बनाने लगे। और तो और, शेल्डन के जश्न के चक्कर में खिलाड़ियों का ध्यान भटक गया और बल्लेबाज ने एक रन भी ले लिया। अब यार, बल्लेबाज मन ही मन जरूर जश्न मना रहा होगा। 4. दिनेश मुंगिया सेलिब्रेट्स टू अर्ली। दोस्तों, अपने क्रिकेट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की कैच लपकने के बाद जश्न मनाते तो कई बार देखा होगा। वेल, हर खिलाड़ी कैच लेने के बाद उसे सेलिब्रेट तो करता ही है, और करे भी क्यों ना, यार उसके इस कैच से बल्लेबाज वापस पवेलियन जो जा रहा है। पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि जश्न के बाद बल्लेबाज को वापस ही जाना पड़े, क्योंकि कभी कभी बल्लेबाज खिलाड़ी के जश्न मनाने के बाद भी रुक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है। अरे यार, अंपायर के बारे में सुना है, उन्हीं की मेहरबानी से रुकते हैं, और ये मेहरबानी तब होती है जब बॉलर गलती करता है। ऐसा ही कुछ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच के दौरान तब हुआ जब आशीष नेहरा बॉलिंग कर रहे थे। दोस्तों देखिए, आशीष नेहरा की डाली हुई बॉल पर जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने शॉट लगाया तो वो बॉल सीधी पास ही खड़े भारतीय फील्डर दिनेश मोंगिया के हाथों में जा पहुंची, जिसे कैच करने के बाद दिनेश जश्न मनाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके जश्न में दूसरा कोई शामिल नहीं हो रहा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, जिसके बाद उन्होंने पाया कि अंपायर द्वारा नेहरा की बॉल को नो बॉल दिया गया है, जिससे बल्लेबाज बच चुका है। दोस्तों, दिनेश के इस अर्ली सेलिब्रेशन को देखकर गांगुली समेत अन्य खिलाड़ी भी हंसते नजर आए। 3. जहीर सेलिब्रेट्स विदाउट नोइंग अबाउट नो बॉल। किसी मैच के दौरान जब भी कोई बॉलर विकेट झटकता है तब उसका जश्न मनाना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कभी कभी बॉलर विकेट झटकने के बाद जश्न तो मना लेता है पर बाद में उसके इसके जश्न की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जाने अनजाने में उसने नो बॉल फेंक दी होती है, और ये जाने बिना ही वो अपना जश्न शुरू कर देता है, और फिर उसे मिलता है हमारे अंपायर से एक जोर का झटका, जिससे उसका ये जश्न मायूसी में बदल जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच के दौरान ऐसा ही कुछ भारतीय बॉलर जहीर खान के साथ भी होता है। आप ही देखिए कैसे जहीर अपनी शानदार बॉल से ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज एंड्रयू साइमंड्स को बोल्ड कर देते हैं और इसको भागते हुए सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते कि उन्होंने एक नो बॉल डाली है और उनकी इस नो बॉल को अंपायर द्वारा करार भी दे दिया गया है। पर थोड़े ही समय बाद जब वो पीछे मुड़ते हैं और अंपायर के सिग्नल को देखते हैं तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने नो बॉल डाली है। वेल, जहीर का सेलिब्रेशन बेवजह जरूर था, लेकिन था बहुत ही तगड़ा। 2. अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर गिब्स। दोस्तों, विकेट लेने और कैच लेने के बाद खिलाड़ियों को जश्न मनाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, और इसी जल्दी में वो अंपायर के इशारे का भी इंतजार नहीं करते। वेल, क्रिकेट में ऐसा कई बार हो जाता है जब कोई खिलाड़ी बहुत ही जल्दी जश्न मनाने लगता है और बाद में अंपायर उसके जज्बातों पर चूना लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार क्रिकेट में एक ऐसा वाक्य भी हुआ था जहां जश्न मनाने की जल्दी में खिलाड़ी के हाथ से कैच छूट गया था। जी हाँ, ये वाक्य हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक मैच के दौरान, जहां साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी हर्शल गिब्स ने फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा दिया हुआ कैच जल्दी जश्न मनाने के चक्कर में छोड़ दिया था। दोस्तों देखिए कैसे जब बॉल गिब्स के हाथों में आती है तब वो इसे बड़ी ही आसानी से पकड़ भी लेते हैं, पर अरे अरे देखिए कैसे जश्न मनाने के चक्कर में इतना अच्छा हाथ आया हुआ कैच भी गिब्स ने छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें फैंस की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। 1. पाकिस्तान टीम प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन।
दोस्तों क्रिकेट में अक्सर एक बात कही जाती है कि जब आप जीत नहीं जाते तब तक उस जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है और आप जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं। वेल ये बात सबको समझ नहीं आती और मैदान पर मौजूद खिलाड़ी तो छोड़ो, पवेलियन में बैठे खिलाड़ी भी जश्न मनाने लगते हैं और जब जीता हुआ मैच उनके हाथ से जाता है तब उनका काफी मजाक भी बनता है। ऐसा ही कुछ 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जब पाकिस्तानी टीम जीत के करीब पहुंचते ही जीत का जश्न मनाने लगी। दोस्तों जब मिसबाउल हक ने चौका लगाया तो उसके बाद पाकिस्तान को जीत के लिए दो बॉल पर महज 2 रनों की जरूरत थी, जिसको देखकर मिसबा समेत पवेलियन में बैठे अन्य खिलाड़ी भी जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा कमाल हुआ कि भारत ने इस मैच को ड्रॉ कर लिया और बाद में बॉल आउट मेथड से इस मैच को जीत भी लिया, जिसके बाद बहुत से भारतीय प्रशंसकों द्वारा पाकिस्तान की टीम का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया गया। लगता है पाकिस्तान टीम ने हंसते हंसते रोना सीखो गाने को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक करिए और हाँ इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।